जो बाकी के जो हमारे
राइट एंगल बोलते हैं। और दूसरा हमारा न्यून कोण। न्यून कोण हमारा क्या होता है? इंग्लिश में न्यून कोण को एक्यूट एंगल बोला जाता है। और ये न्यून कोण होता क्या है? न्यून कोण होता है हमारा 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम। 0 से ज्यादा और 90 से कम जितना भी एंगल होते हैं वो हमारे न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहलाते हैं। तो ये हमारे न्यून कोण हो गए। अब तीसरा आता है हमारा सरल कोण, या इसका दूसरा नाम है रिज कोण, इंग्लिश में से बोला जाता है स्ट्रेट एंगल। इसे स्ट्रेट एंगल या सरल कोण हम क्यों बोलते हैं? ये जो हमारा एंगल होता है, सरल कोण जो होता है वो क्या होता है, उसमें रेज कैसे होती है कि एक रे इधर और दूसरी सरल रेखा में, इस रेखा की, इस किरण की बिल्कुल सीध में पीछे की तरफ को जाती है, लेकिन दोनों क्या होती हैं, एक सरल रेखा में होती हैं, एक सीध में होती हैं। तो ये जो कोण बनता है ये हमारा क्या कहलाता है? सरल कोण या रिजु कोण कहलाता है, या इसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ये कितना होता है हमारा? ये होता है 180 डिग्री का, 180 डिग्री होता है, यानी कि दो समकोणों के बराबर होता है। इसमें दो राइट एंगल होते हैं, दो राइट एंगल के बराबर होता है, एक ये इधर और एक ये इधर, ये हमारा सरल कोण होता है। अब चौथा कोण है हमारा अधिक कोण। अधिक कोण हमारा क्या होता है? हमारा न्यून कोण क्या था? न्यून कोण हमारा ये होता है जो 0 से ज्यादा और 90 से कम होता है। लेकिन हमारा अधिक कोण क्या होता है? हमारा अधिक कोण वो कोण होता है जो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम के जो कोण होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? अधिक कोण होते हैं। जैसे कि एग्जांपल लें हम कि 173 डिग्री का जो एंगल होगा वो क्या होगा? 173 डिग्री का एंगल क्या होगा हमारा? हमें पता है 173 डिग्री हमारा 180 से कम है लेकिन 90 से ज्यादा है। तो ये जो कोण होगा हमारा, ये हमारा क्या होगा? अधिक कोण होगा या ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अब आगे है हमारा बृहत कोण, या इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ये बृहत कोण क्या होता है हमारा? हमारे यहां से यहां तक का जो कोण है वो 90 डिग्री है, और यहां से यहां तक का जो कोण है ये पूरा मिलके 180 डिग्री हो गया। और अब बृहत कोण, बृहत कोण क्या होता है? बृहत कोण से पहले संपूर्ण कोण हम समझ लेते हैं कि संपूर्ण कोण क्या होता है। ये है हमारा संपूर्ण कोण, जब रे इस तरह से होती हैं कि जिस तरह से 0 डिग्री के एंगल को दिखाते हैं कि रे हमारी क्या है, ऊपर नीचे है, तो इनके बीच का कोण जो है वो तो होता है 0 डिग्री, लेकिन इनके पीछे की दिशा में कितना कोण बनता है, ये होता है हमारा संपूर्ण कोण। और इसका जो मान होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री, 360 अंश होता है, जो कि कितना है? 4 समकोणों के बराबर होता है, 1, 2, 3 और ये 4। तो ये संपूर्ण, यहां से यहां तक ये पूरा संपूर्ण कोण बन जाता है या कंप्लीट एंगल होता है। अब बृहत कोण, बृहत कोण या रिफ्लेक्स एंगल, हमने न्यून कोण पढ़ा, न्यून कोण जाना कि जो 0 से 90 के बीच कोण होंगे वो न्यून कोण, अधिक कोण 90 से 180 के बीच के कोण अधिक कोण होंगे, लेकिन 180 से और 360 के बीच के जो कोण होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? बृहत कोण होते हैं, या उन्हें हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। कि इसके बीच में कोई भी कोण पड़ेगा तो ये कोण हमारा क्या होगा? बृहत कोण होगा। इसकी कुछ भी नाप हो सकती है, सपोज करो 200 डिग्री का एंगल, 200 डिग्री का एंगल जो होगा हमारा वो कौन सा कोण होगा? वो होगा हमारा बृहत कोण, क्योंकि वो 180 से ज्यादा और 360 से कम है। कोण को इस साइन के द्वारा हम क्वेश्चन में दर्शाते हैं जब हमें किसी कोण का मान बताना होता है, जैसे तो ये साइन लगाया जाता है, ये कोण का एंगल है। इस तरह का अगर कोई हम कहीं लिखा हुआ साइन देखते हैं तो उसका मतलब
बताया जा रहा है। कोण को हम लिखते कैसे हैं, ये है, इस कोण को हमें दर्शाना है, ये है ओ, ये है ए, ये है बी। हमें इस कोण के नाम को हम गणित में कैसे दर्शाएंगे, कैसे लिखेंगे, हम लिखते हैं ये कोण का साइन लगाएंगे और ए ओ बी, जिस बिंदु पर कोण बन रहा है उसे बीच में लिखा जाता है।